हम लोग जाएंगे पापा मम्मी को सरप्राइज देने। बाय बाय नाहन। हमारे गांव के आगे गेट लगा चुके हैं, लाइट्स भी बंद है। सरप्राइज। पहले ट्राई करके दिखाना ना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ससुराल। अभी है आज एनिवर्सरी वाली मॉर्निंग है, मतलब आज है एक्चुअल में एनिवर्सरी। कल तो शांति पूजन ही चल रहा था तो छोटे बराती पहुंच गए, फिर आज है तो देखते हैं हम कैसे मनाते हैं। वैसे मैं कुछ स्पेशल बना रही थी, पर पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि मैं क्या स्पेशल बना रही हूँ। हस्बैंड जी तो लेटे हुए हैं, आपको भी अपडेट दे देती हूँ। बदनाम क्या, नहाने तो जाओ, कब से बोल रहे मैं और मम्मी की नहाने जाओ नहाने जाओ। बाकी आप लोग भी विश करता पापा मम्मी को एनिवर्सरी की, पर पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर मिलाती हूँ मम्मी से भी और पापा से भी। पापा भी थोड़ा गैरेज तक गए हैं क्योंकि वहाँ से मैंने उनसे मंगवाई है लहसुन की पत्तियाँ जो होती है, तो वो मैं बना रही थी परांठों के लिए। बाकी और क्या बना रही हूँ स्पेशल वो भी बताऊँगी। फिर हम शाम का आज का देखते हैं प्लान तो कर रहे हैं, पापा मम्मी कि हमने क्या प्लान कर रखा है। पर हम उनको ले जाएंगे धोखे से, तो अच्छे कपड़े पहनाएंगे और फिर बोलेंगे कि चलो पहले घर में आते हैं, फिर मैं कहा डिनर बाहर ही करते हैं, आज मैं कहा रोज तो घर पर खाते हैं तो पता है। मम्मी भी शांत हो गया, सुन रही कान लग के क्या है इनके दिमाग में चला हुआ। वहाँ से मेरे पापा बोल रहे हैं मेरे ससुर जी को फोन करके कि चलो वो प्लान चौपट कर देते हैं हर बार ही। मैंने भी कसम दी उनको, मैं कहा कुछ मत बनाया, वो बोलते हैं मैं करता हूँ अभी फ़ोन से मैं बताता हूँ। हम हर बार वो प्लान मतलब सरप्राइज खराब करते सबका, इस बार ही नहीं होने देंगे हम तो। सरप्राइज शाम तक अच्छा मिलेगा हमको। सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ नहा धोके रेडी और अब बन रहे हैं परांठे। और स्पेशल डिश थी गाजर का हलवा। सर्दियाँ और गाजर का हलवा कुछ और ही मज़ा है, टेस्ट लग रहा है। आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ क्या क्या खाते हैं सर्दियों में, कमेंट्स में बताना और रेसिपी भी शेयर करना अगर किसी की अलग चीज़ कुछ बनती है। सर्दियों की स्पेशल डिश क्या होती है मीठे में, क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है। तो गाइस, हमारा परांठे खाने के बाद बन गया विचार कि हम कहीं घूमने जाते हैं। पूरा दिन घर पे भी क्या ही करना था, इतनी अच्छी धूप लगी थी पर हम सोए रहने थे, इसलिए इससे अच्छा है कि हम कहीं घूमने निकल जाते हैं। तो आसपास में देखते हैं कहीं अच्छी सी जगह, वहाँ पिकनिक टाइप मनाएंगे, फिर शाम को देखते हैं। मैं कहा डिनर भी, क्योंकि आज वैसे तो शादी की धाम होनी थी लेकिन आज हम अपने आप से पार्टी करेंगे, कहीं बाहर डिनर को जाएंगे। हे गाइस, आए हैं हम लोग कोल डैम देखते हैं, क्योंकि मैंने भी कभी देखा नहीं था और तुमने भी नहीं देखा, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। पर पानी देखो ब्लू एकदम, कोल डैम भी है, ब्लू इसमें वीडियो में इतना नहीं आ रहा, एकदम नीला पानी है। ये है गाइस कोल डैम, सर हमें बता रहे हैं कि वो कैसी फील आती है यहाँ पे। तो हमारा वैसे भी बीच साइड जाने का प्लान था लेकिन वो कैंसिल हो गया, तो हम पानी वाले एरिया आ ही गए फाइनली। टाइटैनिक पोज चल रहे हमारे एनिवर्सरी पापा मम्मी के, पर हम मजे ले रहे हैं। आप आओ अभी इधर, ये देखो पापा मम्मी पूरी फील ले रहे गोवा की। यहाँ पे शिवानी फोटो भी खींच सकते हैं, क्या करने वाली हो? ये है गाइस कोल डैम और ये है वो फेरी जहाँ पे हमने गोवा वाली फोटोज खिंचाई है। तो कसम से बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर मतलब। हाँ, बाकी डैम में आने की परमिशन ऐसे नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत अप्रोच होती है। कसोल जो वो वाला कसोल वो वाला नहीं है कुल। हाँ। अच्छा, आओ मम्मी आओ, वीडियोस लेते पापा आओ। इधर इस पे थे अभी हम, भाग गई, हमें नहीं बिठाया इसने, पर खराब बोट थी ये तो। कितना सुंदर लग रहा है ना, नीला पानी आ रहा है, पहाड़ी चीज है ये, पानी को रोका कि नीचे कंस्ट्रक्शन हुई सारी। और इन्फो कोई और इन्फो देख लो, नीचे जाके देख लो, जाओ। नहीं मम्मी सदरी में पूरी पहाड़न लग रही है। बड़े सुंदर लग रहे हो, ये व्यू पॉइंट है। घर पहुंच चुके हैं हम और घर पहुंचते ही हमें होगी चाय की क्रेविंग। मेरा थोड़ी देर रेस्ट रूस्ट करते हैं, चाय पीते हैं और फिर चलेंगे हम डिनर करने, ठीक है मम्मी? अब दूसरा सूट है, अब आपका दूसरा सूट निकलना चाहिए, आज आप नई दुल्हन हो आज के लिए। आज के लिए
ठीक है ना। अब वो वाला पहनना, मैंने जो मम्मी को दिया है ना वो वाला पहनेंगे अब मम्मी सूट, तो सब देखना कि कैसा सूट है वो, और आप लोग कमेंट्स भी करना मम्मी पे कैसा लग रहा है वो सूट। तो गाइस हमने चेंज चूंज करके हम निकल चुके हैं मैं और शुभम, क्योंकि वेन्यू पहुंच के थोड़ा बहुत देखते हैं कि कैसी डेकोरेशन की है उन्होंने, क्या है, और केक भी वहां पे छोड़ देते हैं। मेन तो केक लेना है। हाँ, क्योंकि डेकोरेशन तो हुई ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं हुई। नहीं मैंने बोला तो है, अब जैसी भी होगी बढ़िया है, पर देखो हम उल्टे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन अब देखते हैं क्या है, जो थोड़े बहुत चेंजेस भी करवाने होंगे वो अभी तो हो जाएंगे, फिर हम पापा मम्मी को पिक करने आएंगे थोड़ी देर में। हमने बुक कराया वैसे होटल घुमारवी साइड में है, तो क्योंकि आज दिन तक हम घुमारवी साइड गए नहीं थे, बिलासपुर वाला तो हमने एक्सप्लोर कर ही दिया है ऑलमोस्ट, घुमारवी साइड देखते इस बार कैसा है। तो गाइस सरप्राइज में थी एक चीज़ ये कि हमने बुलाया तो देखो सब दीदियों का था, शोम के सारे सिस्टर्स को बुलाया था, लेकिन सब नहीं आ पाए क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम्स हैं। तो अभी जो घुमारवी में होते हैं दीदी, मतलब सेकंड नंबर वाले अर्चना दीदी, वो आए हमारे साथ, थोड़ा हम वेन्यू पे भी देख लेते हैं, मैं कहा थोड़ी कैसी डेकोरेशन है, क्योंकि पापा मम्मी को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कौन कौन आ रहा है, क्या है, कुछ भी नहीं उन्हें पता, उन्हें सिर्फ ये लग रहा है कि हम नॉर्मल डिनर करने एक बारी पहले भी गए थे तो हम लोग वैसे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि सरप्राइज है। तो बच्चे भी है, हेलो बोलो। इशित और ये है इशित, इससे मैंने मिलवाया पहले, और अनायशा, इनसे दोनों से मिलाया, दीदी को भी मिलाया है। तो अभी बड़े वाले दीदी भी आ रहे हैं, वो भी थोड़ा पीछे है, घागस पहुंचे है, और घुमारवी तक पहुँचते वक्त लगेंगे 20-25 मिनट ही, बताते रहेंगे जैसे हाँ जैसे जैसे होगा सरप्राइज कैसा बनता है, कैसे रिएक्शंस होते हैं, वैसे रिएक्शन ज्यादा करेंगे नहीं मम्मी पापा, वो बिल्कुल कूल रहेंगे, वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो कूल रहेंगे। अच्छा ठीक है, लगा लो इसी बात पे। हाँ शिट गाइस, मैं ले लेती हूँ केक, क्योंकि केक भी रेडी हो चुका है, और वहाँ पे वेन्यू पे छोड़ देते हैं पहले। अब चल पड़े हम मम्मी पापा को लेने, दूल्हा दुल्हन को लेने, और बराती पहुँच चुके हैं बहुत सारे, मतलब बच्चे, हम लोग बच्चे ही अब बराती। मम्मी पापा को बोला तो है बढ़िया से तैयार हो जाना, सूट भी निकाल दिया है, छुट्टी का थोड़ा पंगा था, वरना अगली बार जब बढ़िया से माहौल होना है करता, हाँ तो ऐसा करेंगे, धाम टाइप कर देंगे। धाम तो मेरा भी था मन की धाम टाइप करेंगे यार, एनिवर्सरी का होता है ना मेन, की एनिवर्सरी में धाम करना बनता है, सबको छुट्टी का वो है। हां इस बार सब बच्चे भी कहां आ पाए, हमें 42 ईयर हो गए उनके, 45 43, मतलब अगले साल जब भी बनेगा फेवरेबल था ना, हाँ तो करनी है हमें। मम्मी को शौक है कि अंगूठी का, तो अंगूठी पापा हर एनिवर्सरी पे अलग अलग शौक होता है, उस पे अंगूठी का, उस पे वो करने का। मम्मी इस बारी बोल रहे थे अंगूठी दे, अंगूठी का है इस बारी चढ़ा हुआ मम्मी को, लेकिन दीपा अपने आ जाकर हम परे नहीं गए थे ना। हाँ चलो तब वो चाहे एक आध दिन में दे दे, वो तो क्या ही है पापा का, ऐसा होता है कल देख लेंगे दिन में टाइम अगर, हाँ क्योंकि शादी के अगले दिन भी तो चलती है शादी, कल धाम है, जब वापस कल धाम है हमारे, जब वापस लौट रहे होंगे। हाँ पापा मम्मी को पिक करके आते हैं और फिर देते हैं अच्छा सा सरप्राइज, तब तक बाय बाय। तब तक हाँ हीरोइन आ रही है हमारी, आगे गाइस। मैंने यहाँ शुभम को बोला था कि मम्मी पापा को बिल्कुल स्पेशल फील करवाना है, बिल्कुल नए दूल्हा दुल्हन की तरह हाथ पकड़ के लाना, और यहाँ शुभम शर्मा रहे थे उनको लाते हुए। मम्मी फिर कहाँ ले जाना, जहाँ आप बोले जहाँ को चलना है, जहाँ चलो पापा चुप हो गए। मम्मी मम्मी आज वो करता धरता, मम्मी क्या गिफ्ट दे रहे वैसे पापा को, पापा का तो मम्मी को पैसे, मम्मी ने तो फरमाइश बता दी अपनी, पापा की क्या फरमाइश है, पापा की क्या है? मेरा तो थोड़े में ही नहीं। पापा की ज्यादा फरमाइश नहीं है, ज्यादा फरमाइश नहीं है। आज होली सोली कौन है, होली सोली यही है घर की इंचार्ज भाई। कौन मम्मी? हाँ जी, जहाँ आप बोलेंगे वहाँ चलो भाई। कहाँ खाना खिला दो, कहीं भी रह चलो, भूख लग रही बहुत ज्यादा। घुमारवी में कहाँ है जगह, तुम्हें पता होगा तुम हो इधर के, मेरे को कुछ भी, मैं घुमारवी में रहता हूँ, मेरे को तो यहाँ का कोई आइडिया नहीं है भाई। घुमारवी में तो मैंने आज तक डिनर नहीं किया बाहर तो हम गलत तो जा रहे हैं कहीं बिलासपुर। इस वक्त मैंने और शुभम ने इतने पापड़ बेले हैं ना झूठ बोल बोल के, ये आपको आगे आगे पता चलेगा। बिलासपुर तो नहीं चलना, पापा बोल बिलासपुर अच्छा नहीं है, देखा सच में कभी नहीं गए।
चल ऐसे गेड़ी गुड़ी मार के आ जाते हैं, ठीक है। मम्मी को ऐसे रात की गेड़ी बहुत पसंद है, गाने गुने लगाते हैं तो गेड़िया मार के आ जाते हैं, मतलब फिर बिलासपुर ही चलेंगे डिनर को, ठीक है। सबने ही येलो येलो पहना है, आप लोगों ने वर्दी मैच कर दी, मेरा ही नहीं हुआ किसी से मैच, सबका हो गया। सही बात है। अभी आए हैं हम लोग डिनर करने कहीं बाहर, अब देखते हैं कैसा है, चलते हैं। चलो आप चलो आगे। सब भूखे खाने का इंतजार करते हुए अब स्नैक, हाँ स्टार्टर बहुत ज्यादा हो गया, सूप तो मिस कर दिया हमने। जा रहा शानू, नहीं इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है, खाना ले आए हैं, अब इकट्ठा करके रख रहे हैं। अच्छा, सारा एक साथ क्यों नहीं लग रहा है, जैसे तुम लोग आधा आधा खा जा रहे फटाफट ना, एक एक चुकी है खाना। रहता है पहले, बाय 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 बाय। बहुत ही टेस्टी खाना था, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी। अगर आप लोगों को भी वेन्यू जानना है तो कमेंट्स करना, तब बताऊँगी, वरना नहीं बताऊँगी। बहुत ही अच्छा खाना था घुमारवी में, मतलब मेरे को बेस्ट लगा अभी तक। सोलन के कॉम्पिटिशन का खाना था जो मेरे को अभी तक सबसे अच्छा लगा।